क्यों भाई क्यों, सिर्फ इतना बता दे क्यों। Hey, how's it going everyone? My name is Smart Pen. Welcome back to Smarty Pies YouTube channel. आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं कुछ इंडियन टिकटॉक क्रिंज वीडियोस के ऊपर। वेल, मैं बहुत पहले इस वीडियो को बनाना चाहता रहा, लेकिन मैं बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए। एंड आज के दिन गाइस वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ चुकी है, बिकॉज इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है। एंड अब अगर तुम लोग इस टॉपिक पे वीडियो बनाओगे ना, तो पैसा ही पैसा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एकदम गलत सोच रहे हो, बिकॉज इन वीडियो से पैसा कमाना उतना ही मुश्किल है जितना इस वीडियो में लॉजिक ना, किस बंदे ने इतनी सारी मिर्चियां क्यों खाई क्यों। एंड अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इस बंदे का क्या हुआ इतनी सारी मिर्चियां खाने के बाद, अभी रुको जरा, अभी थोड़ा सा और बाकी है। और फिर अगले दिन सुबह सुबह उसका अकड़ा हुआ शरीर संडास में लोट पोट पाया गया। ओके गाइस, तो पहली टिकटॉक वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, भाई अभी तक वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुई है, मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बोल सकता हूँ इस वीडियो में इतना ज्यादा क्रिंज मिलने वाला है ना कि मुझसे सहन नहीं होगा। पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इसको देखकर। आई हैव नो आइडिया भाई इस वीडियो के अंदर क्या हुआ अभी यहाँ पे। सी, ये जो बंदा यहाँ पर खड़ा तुम लोगों को दिख रहा है ना, ये यहाँ पर अपनी माशुका के लिए गाने गा रहा है कुछ इस तरीके से अपना हाथ हिला के। ओके, समझ में आता है, इसको बहुत बड़ा धोखा मिला हो सकता है अपने प्यार में। ये जो बंदा पीछे बैठा हुआ है, ये इसकी टांग पे मार रहा है, और आई थिंक अगर इसकी टांग है तो वेल, किसी भी एंगल से इसकी टांग तो लग नहीं रही है जिस हिसाब से इन्होंने बनाई हुई है। आई हैव नो आइडिया भाई ये क्या हो रहा है इस वीडियो के अंदर, कि तुम लोगों को समझ में आया क्या हुआ, आई मीन लॉजिक क्या था भाई इस वीडियो को बनाने के पीछे। इस सवाल का जवाब तो यही दो बंदे दे सकते हैं। अगले टिकटॉक वीडियो पेश की जाए। वो What is this? See, अगर यहाँ पर इन्होंने काली माता बनाने की कोशिश करी है ना, तो अलग बात है, बट अगर इन्होंने कुछ और बनाने की कोशिश करी है तो I have no idea what the hell is this. सपने पाकिस्तान कहा, मैंने अपनी जान कहा। इस टिकटॉक में ना मुझे हंसी आई इस पीछे वाले बंदे के लिए। ओह मैन, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, निकल। क्रिंज बहुत ज्यादा क्रिंज। एक बार फिर से देखेंगे। नो भाई, मैं देख नहीं सकता हूँ इससे ज्यादा, मैं देख नहीं सकता उसको। इस वीडियो में इतना ज्यादा क्रिंज है कि मुझे एक्चुअल में उल्टी करने का मन कर रहा है अब। द मोस्ट क्रिंजियस्ट वीडियो एवर, आई होप कि इसके बाद इतनी क्रिंजी वीडियो ना आए। वेल, ये वीडियो इतनी ज्यादा क्रिंजी नहीं थी, बट इसके बैकग्राउंड म्यूजिक ने पूरी की पूरी गेम बिगाड़ दी। काफी वाहियात सॉन्ग था, इसीलिए इसको हम लोग फिर से सुनने वाले एक बार। इस गाने के लिए सिर्फ एक ही लाइन है मेरे पास, ये तो टट्टी है। वो ओ माय गॉड, मैं एक बार फिर से देखना चाहता हूँ, क्या इसने एक्चुअल में इस कंगी को खाया? ब्रो, एक्चुअल में इस बंदे ने इस कंगी को खाया। मैं इस वीडियो को एक बार हाफ स्पीड में देखना चाहूंगा। सी, ये बंदा एक्चुअल में इस कंगी को खा रहा है, बड़ा दानव आदमी है भाई तू तो यार। ये कंगी खाने के बाद कितना ज्यादा खुश हो रहा है बंदा। इस बंदे से यहाँ पर मेरे तीन सवाल है। पहला, ये क्या चीज है? दूसरा, ये तेरे मुंह के अंदर क्या जा रहा है? एंड तीसरा, ये तेरे मुंह के अंदर क्यों जा रहा है? कुछ लॉजिक या फिर कुछ रीजन जरूर होगा उसको मुंह के अंदर लेने का, मुझे जानना है। या फिर कुछ भी मुंह के अंदर ले लेता तो अलग बात है। Clearly, इन तीनों बंदों को यहाँ पे डांस करना नहीं आता, बट वी शुड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स बिकॉज एटलीस्ट इन लोगों ने यहाँ पे ट्राई जरूर किया। इस वीडियो के लिए मेरे पास सिर्फ इतने ही कमेंट्स हैं, एंड एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो पेश की जाए। अब इसकी बारी,
ये बच्चा है। वो ये सर पे क्या है, इसके बाल है? ऐसा लग रहा है कि चिड़िया के घोंसले पे किसी ने पान थूक दिया है। घुसा डालेगा सीधा। मुझे बच्चा समझा क्या? हाँ डालूंगा। देख छोटे ऐसा है, तुझे किसी को मारने के लिए गन की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तुझे अपने बाल निकाल के घुसेड़ दे उसके अंदर सीधा ही, है ना? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। That first beat is right on time, right on top, like they say that 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 that, they say that 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 that, like they say that 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 that. मुझे लगा था ये बंदा सेट वेट लगा के अपने बाल इस बंदे की तरह बना देगा, बट नो, दिस इज इवन बेटर। वाओ, क्या जादूगर है, आई एम सो इम्प्रेस्ड। अगर तुम लोगों को पता नहीं चला फिर से यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग इस वीडियो को इस वक्त यहाँ पर स्लो मोशन में देखने वाले हैं। इस बंदे के हाथ में मोबाइल है ना, अभी इसको गायब करके दिखाएगा तुम लोगों को। सी, ये इसने इस मोबाइल को यहाँ से पीछे लिया एंड सी इसका हाथ, मोबाइल गायब हो गया। मैन, This guy is a genius, genius। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि भाई इसने मैजिक ट्रिक कैसे करी है। इसका वो वाला फोन कहाँ गया? I'm so impressed by this man। I think ये वही बंदा है जो इससे पहले वो कंघी खा रहा था। नहीं, ये बंदा तो कोई और है एंड ये बंदा यहाँ पर कोई और है। You know what? इस बंदे से मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि मुझे भी मन कर रहा है कि मैं इस ट्रिक को यहाँ पर एक बार आजमाऊं। So, किसका बेटर था? Of course, इसी बंदे का बेटर होगा। This guy is a professional, guys। इस बंदे की बराबरी ग्लास खाने में दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful, and every night has a state so magical. इस बंदे के एक्चुअल में गाने की बिल्कुल लिरिक्स आती नहीं है, बस ऐसे मुंह हिलाया जा रहा है। क्रिंज लेवल इनटू 100, आई एम नॉट इवन किडिंग। मैं समझता हूँ तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, बट प्लीज ऐसा मत करो यार, क्या कर रहा है ये? क्या देख लिया मैंने, ये मुझे खुद को मारने का मन कर रहा है गाइस। क्या हुआ भाई ये? क्या तुम लोगों को इस वीडियो का भी लॉजिक समझ में आया? ये दो दोस्त आगे चले हुए थे, कुछ गुंडे लोग आए एंड देन इसके एक दोस्त को मार दिया एंड भागने की जगह पे ये बंदा वापस आके उस छुरे को नीचे निकालता है वापस एंड अपने बेटे मार देता है एंड दोनों मर जाते साथ में। ऐसा कहाँ होता है भाई, कुछ भी, मतलब कुछ भी, इस बात का कोई लॉजिक बनता है क्या? इससे बड़े भाग के पुलिस स्टेशन जाता, फिर इन लोगों की पहचान करता, फिर लोग भी जेल में जाते तो कुछ फायदा होता। आई मीन अब दोनों के दोनों मर गए, अरे सारे के सारे लफंटर यहाँ पर फुल्ले घूमने वाले हैं एंड सबसे खप्पी बंदा यहाँ पर ये लफंटर है। बंदा परेशान हो रहा है, ओ माय गॉड, इसने खुद को मार दिया। तो अगली क्लिप में हमारा एक बंदा जिसको देख के लगता नहीं कि भिखारी है, पर नीचे भीख मांग रहा था एंड आई गॉट इट, ये भाई किसी बंदे की होगी, आई नो। अरे इस लड़की को बोलेगा निकल, पहले फुर्सत में निकल इस बाइक से, मेरी बाइक है ये, राइट? एग्जैक्टली। बेटे अगर तेरे पास इतनी खतरनाक बाइक है तो तू सड़क के किनारे बैठकर भीख काई के लिए मांग रहा है? कुछ भी यार, कोई लॉजिक नहीं बनता इस बात का कि बंदा साइड में बैठ के भीख मांग रहा है। इधर ही रुक तू, पहले तो मेरे को ये बता कि तू आकाश में देखकर ऐसे खे 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 करके हंसकाई के लिए रहा था, है? Clearly this guy is the coolest। इस बंदे के पास ऐसी बाइक है जो तुम्हें ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगी। Man, I really wish कि मेरे पास भी कॉलेज टाइम में ऐसी बाइक होती, because अगर होती तो मैं भी शायद एक आधी लड़कियां कॉलेज टाइम में पटा पाता, but no, I was so unlucky guys, because उस वक्त मार्केट में ऐसी बाइक्स नहीं मिलती थी।
इंडियन टिकटॉक क्रिंज वीडियोस, जितनी बेस्ट से बेस्ट वीडियोस मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ सकता था मैं लेकर आया। एंड तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगर तुम लोगों को इसका सेकंड पार्ट चाहिए। एंड एज ऑलवेज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इस वीडियो का लाइक भी मैं रखने वाला हूँ 1,00,000 लाइक्स का। आई नो की कम्प्लीट नहीं होने हैं बट उम्मीद पर दुनिया कायम है, कभी ना कभी तो आएंगे। सो या लीव अ लाइक एंड मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसे ही था नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।